बार की बात है, एक झील में एक बूढ़ा सारस रहता था। वो इतना बूढ़ा था कि उसके लिए भोजन का शिकार करना लगभग असंभव होता जा रहा था। एक दिन वो एक चट्टान पर खड़ा था, दयनीय रूप से रो रहा था, जब एक केकड़ा उसके पास आया और कहा, चाचा तुम इतने दुखी क्यों हो कि तुम अकेले खड़े होकर आंसू बहा रहे हो। स्मार्ट सारस ने महसूस किया कि यह उसका अवसर हो सकता है। सारस ने उत्तर दिया, अब मैं इन सभी वर्षों के दौरान इस झील में मछली खाने के अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। केकड़ा हैरान रह गया। उन्होंने कहा, आप ऐसा क्या सोचते हैं? सारस ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि इन मछलियों के लिए एक अंधकार में भविष्य की भविष्यवाणी की गई है। कहा जाता है कि आने वाले 2 दशकों में बारिश नहीं होगी और हमारी सारी झीलें सूख जाएंगी। तो आज जो मछलियां आप देख रहे हैं वे एक एक करके नष्ट हो जाएंगी। यदि मैं कोई मछली खाऊं, तो शीघ्र ही कोई मछली नहीं बचेगी। केकड़े ने सारस से समाधान के लिए कहा और निश्चित रूप से सारस ने मछलियों को एक एक करके बड़ी झील में ले जाकर उनकी मदद करने की पेशकश की। जैसे सारस ने उम्मीद की थी, केकड़े ने पानी में रहने वाली सभी मछलियों को वचन दिया। मासूम मछलियों ने सारस पर भरोसा किया। सारस हर रोज अपनी चोंच में एक मछली को ले जाता था। वो कुछ दूर चला जाता और फिर चट्टान से टकराने वाली मछली को मार डालता और खा जाता। कई दिनों तक सारस एक के बाद एक मछलियों को खाता रहा, जब तक कि केकड़े की बारी नहीं आ गई। केकड़ा पूरे उत्साह के साथ अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सारस से कहा, चाचा अब मेरी बारी है और नई झील के पानी में तैरने की मेरी बारी है। सारस ने केकड़े को अपनी पीठ पर धोया और उस दूरी तक चला जो वह हमेशा करता था। जल्दी केकड़े को कुछ दूरी पर मछलियों की हड्डियों के ढेर पड़े दिखाई देने लगे। उसने जल्दी से महसूस किया कि सारस इतने लंबे समय से क्या कर रहा था। उसने सारस से पूछा, चाचा नीचे इतनी हड्डियां क्यों पड़ी हैं? सारस ने उत्तर दिया, तुमने मुझ पर विश्वास करने की मूर्खता की है। अब तुम वही मरोगे जो तुम्हारी मछलियां मित्र मरी थी। केकड़े को जवाब देने की जल्दी थी। उन्होंने कहा, इससे पहले कि सारस प्रतिक्रिया कर पाती, उसने सारस की गर्दन को काटकर मौत के घाट उतार दिया था। फिर वो गर्दन को वापस झील में ले गया, जहां अन्य मछलियां सारस के वापस आने और उन्हें ले जाने का इंतजार कर रही थी। उसने मछलियों से कहा, अब से हमने ये सीख लिया है कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बची हुई मछलियां केकड़े के इस कृत्य पर आनंदित हुई, जिससे उनकी जान बच गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।